आज आपकी फिल्म का मुहूर्त और साथ में सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुआ, तो क्या कहेंगे दर्शकों से, कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप मीडिया भाई और अपने दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं जसवंत कुमार, भोजपुरी फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि आज कल ही अभी जो है 26 जनवरी है और आज हम लोग जो है एक नई फिल्म लेके मैं आ रहा हूँ। इस फिल्म का नाम है जनता दरबार और उसका सॉन्ग यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो कि मोहन राठौर जी और अलका झा की आवाज़ में बहुत ही बेहतरीन गाना जो है दर्शकों को सुनने को मिलेगा, जिसका रिकॉर्डिंग चालू है और उसी रिकॉर्डिंग में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी, इसके पहले तो हमने जो है 2017 में सरकार राज दिया था, 2018 का ब्लॉकबस्टर पर ही हमने वांटेड फिल्म दिया, जो कि पवन जी को लेके मैंने दोनों फिल्म बनाया था। और अभी हमारी फिल्म जनता दरबार के जो है हीरो हैं मनोज आर पांडे, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, आप लोग सब जानते हैं, काफ़ी फिल्में उनकी भी आई हैं। और जनता दरबार, जैसे कि टाइटल आप जो देख रहे हैं कि नाम ही ऐसा है कि एक सामाजिक नाम है, और जनता दरबार की स्टोरी जिन्होंने लिखा है, लेखक और इसके निर्देशक हैं आर के शुक्ला जी, और जिन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है जनता दरबार की। और इस जनता दरबार में बहुत कुछ नया नया चीज़ जो है लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे दर्शक भाई को, क्योंकि इसके पहले भी वो हमारी कहानी से, फिल्मों से, गाने से संतुष्ट हैं, और हम फिर वही कोशिश कर रहे हैं कि जनता दरबार में जो कहानी लेके आ रहा हूँ इसमें ज़्यादा कुछ तो अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस फिल्म के अंदर जो है पढ़े बेटियाँ, बढ़े बेटियाँ और हमारे समाज की बेटियों को जो है ये फिल्म आने के बाद ज़रूर एक उनको मार्गदर्शक मिलेगा कि जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, लिखेंगे और कुछ अच्छा नाम रोशन करेंगे अपने माँ बाप का। इस तरह का इस कहानी जनता दरबार में हमने जो है जो उठाया है स्टोरी, इसी तरह की स्टोरी है और बहुत चीज़ें हैं जो कि दर्शक भाई देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मनोज जी, कब से शूट होने वाला है? अब इसकी शूटिंग देखिए, अभी तो गाने पे हमारा बड़ा ज़ोरों से काम चल रहा है और इसका शूट जो है फरवरी लास्ट में हम करने का पूरा इसका इरादा बनाए हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो है योगी सरकार के देख रेख में जो वहाँ इस समय जो फिल्म सिटी बनने वाला है और काम भी चालू हो गया है। तो इसके पहले भी वांटेड और सरकार राज हमने उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में ही शूटिंग किया था और इस फिल्म की भी शूटिंग उधर ही मेरा करने का पूरा जो है प्रोग्राम बन रहा है। इसकी टोटल शूटिंग उत्तर प्रदेश में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार हमारे उधर जो है उत्तर प्रदेश के भी मिल रहे हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, और बहुत सारे कलाकार इसमें मनोज पांडे जी के अलावा हैं, इसमें संग्राम सिंह पटेल जी हैं जो इसमें सेकेंड लीड कर रहे हैं, एक लीड और कर रहे हैं जिनका नाम है जो है मयंक दुबे, और ये लोग भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। बाकी फिल्म की हीरोइनें जो है उसमें कहा जाए तो मतलब आकांक्षा अवस्थी जी हैं और जोया खान हैं और संजना सिरके हैं, ब्रजेश त्रिपाठी जी, जयप्रकाश सिंह और कई ऐसे नामी ग्रामी इसमें अभिनेता काम कर रहे हैं। और अपने दर्शक भाइयों को मैं बता दूं कि इसमें एक दमदार रोल मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हर फिल्मों में मुझे देखते आए हैं, इसमें भी कुछ अच्छा करूंगा, देखेंगे। तो जसवंत जी, भोजपुरी सिनेमा क्यों चुनते हैं आप, कोई खास वजह? देखिए, पहला नंबर तो यह है कि मेरा शुरू से ही भोजपुरी से लगाव है, आज नहीं, मैं आज 20 साल से, जब भी मतलब इंडस्ट्री आने के पहले से ही मैं इसमें भोजपुरी सिनेमा से मतलब अपना लगाव रखा हूँ, और जब मौका मिला तो चूँकि कहीं ना कहीं मतलब मेरी मातृभूमि जो है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम लोग समझिए कि एक भोजपुरी भाषा अवधी भाषा में हैं, जो कि हम लोग अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं, और इसलिए जो है इस भाषा की सिनेमा बनाने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, अपने दर्शकों को इंटरटेन करना जो है भोजपुरी के माध्यम से, यही मेरा मतलब अपना अंदरूनी जो है इच्छा है, इसलिए हम भोजपुरी फिल्मों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद। आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ, इतना अच्छा गाना आपने रिकॉर्ड किया, इसका शेष आप किसको देते हैं? जिसका पूरा श्रेय जाता है जो है हमारे साथ में साहिल खान जी खड़े हैं, और यही है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहिल खान जी, और उस गाने को लिखे हैं शेखर जी। बहुत ज़बरदस्त गाना इन्होंने लिखा है। गाना 2021 में धमाल मचाने वाला है, और कईयों गाना हमने सुनने के बाद जो है मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं हमेशा सरकार राज हो, चाहे वांटेड हो, चाहे ओढ़निया कमाल करे या ए राजा जी, बहुत सारी फिल्में हमने किया है और सब में गाने को बहुत ही ध्यान रख के बनाया था। सारे गाने हमारी फिल्म के हिट हुए थे और जनता दरबार का भी गाना हिट होगा, हमारे दर्शक भाइयों का प्यार जरूर मिलेगा, क्योंकि इस पे साहिल खान जी बहुत अच्छा म्यूजिक तैयार किए हैं और शेखर जी बहुत अच्छा लिखे हैं उस गाने को। मोहन राठौर जी और अलका झा ने बहुत ही ज़बरदस्त गाया है। तो शेखर जी कुछ कहेंगे आप? जी, सबसे पहले सभी हमारे जो भोजपुरिया दर्शक हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी को मैं गीतकार शेखर मधुर प्रणाम कर रहा हूँ। और आज बहुत ही बढ़िया शुभ मुहूर्त हुआ है म्यूजिकली गाने से, बहुत अच्छा गाना आज का रिकॉर्ड हुआ है फिल्म जनता दरबार का। और जैसा कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं, सर का जो भी फिल्म अभी आया सब ब्लास्ट हिट गया है पूरा, और ये भी ब्लास्ट करेगा पूरा फिल्म। ये बहुत शानदार गाना मोहन राठौर जी गाए हैं और अलका झा जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है, जिसका संगीत तैयार किया है हमारे